इंडिया की तरफ तो ना जाए, पाकिस्तानियों की तो यही ख्वाहिश है, और चाहे कोई ले जाए। और चाहे कोई ले जाए। पाकिस्तान का कंसर्न इंडिया के साथ होता है हमेशा। हम थोड़ा जातियात पे भी आ जाते हैं जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, तो पाकिस्तानी कोई भी है वो इस वक्त यही सोच रहा होगा कि पाकिस्तान में नहीं आई कोई नहीं, खैर ये बड़ा मसला नहीं है, इंडिया में नहीं जानी चाहिए ये बड़ा मसला है। जली ना, तेरी भी जली ना। ओ मेरे ब्रदर, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। दरअसल T20 वर्ल्ड कप 2024 में अफ्रीका की जीत की स्क्रिप्ट फाड़ी गई है, न कि इंडिया की, क्योंकि इंडिया के लिए जीत की स्क्रिप्ट तो कई महीनों पहले ही मोटा भाई ने लिख दी थी। समझ रहे हो ना? और अगर नहीं समझ में आया तो ये देखो मेरे दोस्त, ये देखो। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। साउथ अफ्रीका का तो कोई चांस ही नहीं है बाजी लेने का। इंडिया के पास कब जाएगा, ये कप एशिया में रहेगा, साउथ अफ्रीका का नो चांस एट ऑल। वर्ल्ड कप 2024 इज इंडियाज। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बचाओ ताली। इंडिया को हारना चाहिए, जनूबी अफ्रीका ने आज तक कोई बड़ा मैच नहीं जीता। मैं तो यही दुआ करूंगा कि जनूबी अफ्रीका को जीतना चाहिए। पड़ोस में पूरा कुत्तों से भरा हुआ आवाजें आ रही हैं, पूरी रात से भैंस की अक्साओं ने नहीं दिया इन भिखारियों ने। क्या तुम लोगों के साथ भी ये दिक्कत आ रही है भाई जान? यार भाई भौंके जा रहे हैं यार, चुप ही नहीं होते यार भाई, पूरी पूरी रात आवाजें आती हैं। कर हमारे लाइव में भी, क्योंकि भाई मैं इधर हूँ ना, चंडीगढ़ में हूँ ना, तो इधर नजदीक फिर पंजाब आ गया अपना, पंजाब के उधर बिल्कुल साथ में लगता भाई ये भिखारी। भाव 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 भाई आवाजें आई जा रही, अभी मैंने फोन भी मिलाया था। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तानी तो भाई मैच जीतने से पहले ही रोने लग गए, यानी कि भाई दुआएं पड़ी जा रही है कि काश आज भारत हारे। देखिए मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट लिख दी गई है भाई, जय सर ने लिख दी है, आप लोग वीडियो में देखिए। और आज कौन सा प्लेयर है 50 करेगा कमेंट में जरूर रखें, उसके बाद पूरे मैच की बात करेंगे। अब बासित भाई, कल जो टीम टॉस जीतेगी, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है कल के फाइनल में, पहले बताएं। इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं है। आपके ख्याल में अगर आप होते तो विराट कोहली को कल उसी नंबर पे भेजते जब तक जिस नंबर पे इस वर्ल्ड कप में अब तक भेजा गया है? 100% बेशक उसकी परफॉर्मेंस जो भी रही है, लेकिन चाहे वो कल भी जीरो करे, लेकिन उसका हाँ? अच्छा ओके। आप होते तो क्या, आपके ख्याल में क्या विराट कोहली का नंबर वही बरकरार रखना चाहिए या नहीं? अब बहुत लेट हो गए हैं, अब आखिरी मैच में भी वही नंबर, वही मोमेंटम, वही कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, कोई चेंजिंग करेंगे नहीं मुझे लगता है, सही है। और करनी भी नहीं चाहिए, और टॉस बड़ा वाइटल होगा मेरी नजर। अच्छा, आपके ख्याल वाइटल होगा टॉस? पहले बारी अगर इंडियन टीम ने कर ली तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी मुश्किल होगी। अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बारी कर ली, 170-160 कर ली है, तो फिर इंडियन टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। टॉस जीतने वाली टीम चेज नहीं करेगी, मेरे हिसाब से चेज आप चेज करेंगे, लेकिन आपके ख्याल में पहले बैट करेगी? मेरे ख्याल से टॉस जीते जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनको एडवांटेज मिलेगा। आपके ख्याल में चेज करेगी या बैट करेगी? टॉस वाइटल तो होता है, लेकिन टॉस के ऊपर सही फैसला करना ज्यादा वाइटल है। इंग्लैंड ने गलत फैसला किया था, पे किया उन्होंने। कल सही फैसला क्या होगा? कल सही फैसला ही होता कि इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है। नहीं, जो भी नहीं, नहीं, मैं आने वाली कल की बात कर रहा हूं। कल भी जो भी कमजोर होगी, टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, इसलिए कि सेकंड बैटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लो रहेगी बॉल। अगर लो रहेगी बॉल तो फिर इंडिया के स्पिनर्स फिर अगेन यही मैच, अगर यही मैच सैंड लूसिया में होता ना फिर टॉस इतना मैटर ना, लेकिन बारबाडोस में मामला। अच्छा, ये रोहित शर्मा से भी पूछा गया विराट कोहली से मुताल्लिक, क्योंकि जाहिर है विराट कोहली स्टार बैट्समैन है, सबकी नजर होती है, लेकिन ये वर्ल्ड कप आई थिंक रिसेंटली विराट का शायद सबसे बुरा टूर्नामेंट रहा होगा। कभी भी सिंगल फिगर में उसके चार स्कोर नहीं हुए, इसमें हो गए। सो सर याद आया कि इंडियन बड़े सियाने हैं। अच्छा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इन्फ्लुएंस जो है ना आईसीसी में बहुत ज्यादा है, जो सर्वे फेयर वाली बात। हाँ, मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं यूएसए में जब गया हूँ तो न्यूयॉर्क में जो ग्याना एक टाउन है बड़ा, उधर ग्याना के लोग रहते हैं वहां पर, वहां पर उनके जो रेस्टोरेंट्स है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन गाने सुनते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है। अब मैं जब ग्याना में जब जो सेमीफाइनल रखा है, एक तो पिच उनकी जो स्पिनर्स को मदद दे रही थी, सारा कुछ था, रुक के बॉल आता है, इंडिया को फेवर मिलनी थी, वो रखवाया ग्याना में, रखवाया गया। और फिर उसके बाद आप देखें वहां की आवाम जो थी ना, जो लोकल थे, वो इंडियन टीम को सपोर्ट करने आए हुए थे। मतलब इंडिया से तो लोग बहुत कम गए होंगे, यूएसए में फिर भी लोग रहते हैं, वेस्ट इंडीज में इतने लोग रहते नहीं है। जो उधर के गायनीज हैं, जो ग्याना के लोग रहने वाले हैं, वो अपने आप को लोकल इंडियन समझते हैं, ठीक है। तो वो इंडियन गाने भी सुनते हैं, इंडियन कॉन्सर्ट्स भी होते हैं सिंगर्स के, और वहां पर वो अपने आप को इंडियन समझते हैं, तो इंडियन टीम को सपोर्ट करने गए हुए थे। तो ये एक साइंस थी इसके पीछे, ग्याना में सेमीफाइनल इंडिया का ही क्यों रखा गया, तो इस वजह से प्रो इंडियन अजीब उधर वहां पर जो है वो इंडियन अपना फायदा ये भी देख रहे हैं। इंडिया की तरफ तो ना जाए, पाकिस्तानियों की तो यही ख्वाहिश है, और चाहे कोई ले जाए। और चाहे कोई ले जाए। पाकिस्तान का कंसर्न इंडिया के साथ होता है हमेशा। अच्छा। हम थोड़ा जातियात पे भी आ जाते हैं जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, तो पाकिस्तानी कोई भी है वो इस वक्त यही सोच रहा होगा कि पाकिस्तान में नहीं आई कोई नहीं, खैर ये बड़ा मसला नहीं है, इंडिया में नहीं जानी चाहिए ये बड़ा मसला है। अच्छा, इसके पीछे की क्या वजह? हम खेलते इंडिया के अगेंस्ट भी है, हम खेलते अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी है, यूएसए के अगेंस्ट भी है, लेकिन जब क्रिकेट में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्यों नहीं आती?
बस हम लोगों की थिंकिंग इतनी है, हम लोग लिमिटेड सोचते हैं। हार जीत किसी भी खेल का हिस्सा होता है, चाहे किसी के साथ भी हो। जो अच्छा खेलेगा जीत जाएगा, जो अच्छा खेलेगा जीत जाएगा, लेकिन उसमें आपकी मिस्टेक्स भी होती हैं। किसी भी टीम में जब कोई टीम मैच हारती है तो उसमें किसी टीम मेंबर की गलतियां भी होती हैं। आप गलतियों को किस्मत के साथ रिलेट मत करो। यहाँ पे ये होता है कि पाकिस्तानी टीम हार गई, कोई नहीं, किस्मत है, हार जीत होती है, हार जीत होता है, लेकिन खेल कर हारो तो कोई मसला नहीं है। बिना खेले गलतियां करके हार जाओ वो तो फिर मसला है ना। मतलब आपको खेलना, आप खेलने के लिए आए हो ना, तो आपको खेलना ही नहीं आता तो फिर आप क्रिकेट में कर क्या रहे हो। मतलब इतने सारे पाकिस्तानी हैं, इनकी विशेष जुड़ जाती है। और हम लोग पाकिस्तानी बहुत इमोशंस के साथ सब काम करते हैं। मैच भी हम लोग मतलब पूरा वो अपनी लगन के साथ देखते हैं कि सब काम छोड़ दिए, मैच है, मैच है, मैच है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का देखते हैं। नहीं नहीं, कोई भी चीज़ है ना, कंसर्न रखते हैं हम लोग कि हम थोड़ा दिल के साथ वो इमोशंस को अटैच कर लेते हैं। हालांकि नहीं करने चाहिए, गेम है, गेम में सब कुछ होता है, बट जो मिस्टेक्स हैं उनको निकालना चाहिए। और मिस्टेक जब तक नहीं निकलेंगी तो ये हारते रहेंगे अगेन हारते रहेंगे। हमारे प्लेयर्स तो बोलते ही नहीं है। अगर हमने जो है वो माइकल वॉन का तो स्टेटमेंट हम सुन लेते हैं, हम मार्क बुचर का स्टेटमेंट तो सुन लेते हैं, क्रिस गेल का सुन लिया, वसीम अकरम साहब नहीं बोलते कभी भी, यूनुस नहीं बोलते कभी, जमाम भाई कभी नहीं। कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ रिलेट होता है, रमीज भाई हो गए, आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि वो बात करेंगे कि इंडिया को कोई थोड़ा सा भी फेवर मिला है। इवन के बहुत सारी कमेंट्री में जो है वो आपको अंदाजा होगा, ये हमारे कमेंटेटर्स क्या इंडिया को फेवर कर रहे हैं, आपको बातों से लग जाएगा, लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे। मैं रेवेन्यू मॉडल जो है वो मैंने इसलिए खोल लिया था, उस रेवेन्यू मॉडल में आप अंदाजा करें शेरी भाई, 38.5% इंडिया लेकर जा रहा है एनुअल अर्निंग के अंदर, और 6.89% इंग्लैंड की है, 6.25% ऑस्ट्रेलिया है, 5.75% पाकिस्तान है, 4.73% न्यूजीलैंड है, 4.58% वेस्ट इंडीज है। कहाँ 38.5% अर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ भाई, ICC की अर्निंग अगर आप इश्तेहार लेकर आ रहे हो तो आप पैसा भी तो सारा आप ही लेकर जा रहे हो, बाकी ममालिक को मिल क्या रहा है। तो ये ममालिक जो इतने खामोश बैठे हुए, देखिए कहाँ पे खामोश नसीब। तो दोस्तों देखिए मैच की बात कर लेते हैं, देखिए थोड़ी वीडियो के बारे में बात करते हैं। जहां पर देखिए मैं तो ये नहीं पता भाई कौन सा फूकते हैं ये पाकिस्तानी, समझ से बाहर है। आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पर जो बीच में क्लिप थी उसमें पाकिस्तानी ने बोला कि जो गयना में मैच था वहां पर है जो इंडियन ऑडियंस थी, इंडियन गाने सुनती थी, तो वहां पर सेमीफाइनल के अंदर ऑडियंस का है जो वो मिला है उनको, भारत की टीम को यानी कि साथ मिला है। 2023 के अंदर जो अहमदाबाद में वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहां पर भाई टोटली इंडियन क्राउड था, वहां कैसे हार गया भाई भारत। तो भाई कहने का मतलब ये सस्ता नशा फूक के आते हैं पाकिस्तानी, और फूक के स्टेडियो में बैठ के ये नहीं पता ये बोल क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, यानी कि भाई इनकी अलग ही दुनिया चलती है। अभी इनको देखिए लास्ट वाली क्लिप है कि भाई 38.5% है जो अर्निंग ICC की इंडिया लेके जा रहा है, अरे 100% वो इंडिया अर्निंग दे रहा है जब ICC को, ICC चल ही इंडियन ऑडियंस से रहा है। आज वर्ल्ड कप है, जो ऑडियंस है इनको ये भी रोना था कि भाई रात को क्यों भारत के मैच हो रहे हैं, सुबह क्यों नहीं हो रहे हैं। भाई तुम्हें वो है ना, इनको पता है क्या पाकिस्तान, इनको एक खड़ा बाल है, और जब भी ये चलते हैं, हिलते हैं, बैठते वो ऐसे लगता है, तो उसके बाद इनको चुल मस्ती है, फिर मुंह से बोलने लग जाते हैं। यार तुम्हारे अंदर दिमाग आया भेजा है एक वो आलू, रोहित शर्मा ने अच्छी तरीके से पेला है उसको भाई दोबारा रख के, तो रात को मैच हो रहे भाई, मैच हो क्यों रहे हैं, पैसे के लिए हो रहे हैं, ऑडियंस देखेगी, रेवेन्यू आएगा, जब सुबह भाई उस समय तो देश जागेगा नहीं, मैच कौन देख लेगा भाई। एशिया से चलते हैं, एशिया में भारत से चलते हैं मैच, ये बात इनके भेजे में नहीं घुस रही पाकिस्तानी मीडिया के। खैर देखते हैं भाई आज का मैच रात को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।